हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 जून 2018 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है कश्मीर सुपर 50 प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि कश्मीर के 30 यूथ और इंडियन आर्मी है वो साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि वो इस स्कीम को लेकर सामने हम जो पॉइंट है वो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। देखो ये प्रोजेक्ट क्या है वो देखते हैं। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किस किस का? ये है इंडियन आर्मी और सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। इसके साथ ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पेरोनेट एलएनजी लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान है, इन तीनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका मेन मोटो ये रखा गया है कि देखो कश्मीर में जो वीकर सेक्शन है ना यूथ का, उसको एक्चुअली प्रमोट करना, उसको इसकी एक तरीके से उसको एजुकेशन के आगे माहौल बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट जो स्टार्ट है वो किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें मेनली जो इकोनॉमी सेक्शन से जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद उनको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तैयारी के लिए उनको फ्री से कोचिंग है, रहने की सुविधा है वो सारी प्रोवाइड है वो करवाए जाएंगे। जैसे IIT JEE वगैरह की तैयारी करवानी है या फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो खुद की उनकी लोकल इंजीनियरिंग एग्जाम होती है उसको प्रमोट करने के लिए उनको ये सारे फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कहीं UPSC एग्जाम में पूछ सकती है आपको ऑप्शंस देखें कि ये क्या वहाँ कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट है या फिर किस प्रकार का है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेनली एजुकेशनल स्टेटस है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बनाया गया है जो कि वहाँ पे चिल्ड्रंस हैं इकोनॉमिक सेक्शन से वीकर उनके लिए है। तो आपको ध्यान रखना है इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उनमें फ्री में एजुकेशन वगैरह उनको कोचिंग वगैरह वो प्रोवाइड की जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आता है वो आता है आई मैप मिशन के बारे में, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब के बारे में। तो देखो ये नासा का एक प्रोजेक्ट है जो कि 2024 में लॉन्च है वो होने वाला है मिशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इसरो का या नासा का, तो ये नासा का एक प्रोजेक्ट है। अब है क्या इसके बारे में, तो इसे थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस है वो कर लेते हैं। देखो आपको बताया कि स्पेस से अर्थ की साइड क्या आती है, कॉस्मिक रेज जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो हमारे अर्थ का जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ उसको इफेक्ट करती हैं, इसके अलावा जो हमारे सेटेलाइट हैं उनको भी काफ़ी नुकसान है वो पहुँचाती हैं क्योंकि उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और जो स्पेस से आती है उनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। अब देखो बात की जा रही है आगे कि भाई जो कॉस्मिक रेज आती है ना उनसे प्रोटेक्शन करने या उनको उनके उनसे हमारी अर्थ को बचाने के लिए क्या होता है, वो होता है हेलियोस्फीयर। तो हेलियोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम का ही एक तरीके से आप बोल सकते हो लेयर है एक तरीके की, जैसे कि ये हमारी अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक लेयर है जिसका काम ही होता है इस लेयर का हेलियोस्फीयर का कि भाई जो भी कॉस्मिक रेज आ रही है ना अर्थ की तरफ उनसे बचाना, मतलब उनसे प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। तो ये इसका बेसिकली काम होता है। अब नासा क्या कर रहा है, नासा इसकी स्टडी के लिए कि भाई जो हेलियोस्फीयर है ना इसकी लिमिट कहाँ तक है, नासा ये देखना चाहता है कि हेलियोस्फीयर की लिमिट यहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक लिमिट है या फिर यहाँ पे, मतलब कितनी दूर तक ये हेलियोस्फीयर वो काम कर सकता है, इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए IMAP मिशन है वो लाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्शन देने के लिए हेलियोस्फीयर है वो काम करती है और हेलियोस्फीयर है वो जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसकी रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कहाँ तक हेलियोस्फीयर है वो काम करती है, उसके लिए नासा का एक मिशन है IMAP जो कि 2024 में लॉन्च है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है मैत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो ये लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया गया था, बजट में इसकी बात है वो की गई थी। ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर मेनली फोकस किया गया था कि हिमालयन रीजन में जो भी स्टेट्स आते हैं उनकी एक्चुअली जो भी इरिगेशन की प्रॉब्लम है उनसे निपटने के लिए, मतलब हिमालयन क्षेत्र में इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए ताकि एग्रीकल्चर और प्रॉपर ढंग से वहाँ पर हो सके, खेती को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही मैत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो लाया गया था, हिमालयन रीजन के लिए था मेनली। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कीवर्ड। इसके बाद हुआ क्या है, अभी रिसेंटली हिमालयन जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको नेपाल में भी एक तरह से एक्सपेंड है वो कर दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट में इंडिया के साथ साथ नेपाल है उसके भी कुछ स्टेट हैं वो इसमें शामिल है, मतलब नेपाल को भी मैत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट में शामिल है वो किया गया इंडिया की तरफ से। होगा क्या, जो सोलर एनर्जी है उसकी हेल्प से जो कुएं वगैरह वेल वगैरह वो बनाए जाएंगे और उसके द्वारा फिर लाइट है उसका एक तरीके से यूज़ हो प्रॉपर ढंग से किया जाएगा। इसके साथ ही बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए ताकि खेती बाड़ी है वो सुचारू रूप से आगे है ये था वो जारी रहे, उसके लिए मेरे लिए इसको स्टार्ट है वो किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है KVIC के बारे में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। देखो आपको एक यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है आपके लिए वो ये है कि KVIC के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी स्फूर्ति स्कीम। वो स्फूर्ति स्कीम किस लिए थी,
क्योंकि इसको हमने काफी बार डिस्कस किया था लास्ट ईयर भी, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं फिर हम कल की डिस्कशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्फूर्ति स्कीम का बारे में आपको बताना कि स्फूर्ति स्कीम है किस लिए। इससे देखो फायदा ये होगा कि बीच बीच में जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उससे आपका रिविजन है वो बना रहेगा, इसके साथ ही आपकी प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ यथा होता है वो जारी रहेगी। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछ जाते हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाइएगा, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और बाकी और स्टूडेंट को भी इससे बेनिफिट है वो मिलता रहे। अब हम देख लें केवीआईसी के द्वारा। केवीआईसी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 1957 में बनाई गई थी। मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए, मिनिस्ट्री है वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारे केवीआईसी वो काम करती है। काम क्या है केवीआईसी का, इसका काम मेनली है कि भाई रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है। मेन फोकस ये कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट का। अब देखो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डेवलपमेंट की बात आ जाए तो लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, या फिर लोगों को स्किल दी जा सकती हैं, या फिर लोगों को एक तरीके से जो इंडिपेंडेंट मतलब आप बोल सकते हो कि आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो न रहे, खुद का अपना काम है वो कर सकें। ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी दूसरे यूथ के ऊपर या किसी दूसरे लोगों के ऊपर वो अपने रोजगार के लिए डिपेंड है कि यार ये आदमी मुझे जॉब देगा तभी मैं काम कर पाऊंगा, मतलब अपना खुद का रोजगार है, अपना खुद का बिजनेस वगैरह है वो सेटल कर सकें। इसके साथ इसका मेन काम क्या है, लोगों को प्लान बताना, प्लान में हेल्प करना, प्रमोट करना, उनको फैसिलिटेट वो करना, और ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों को एक साथ लेके चलना, ये इसके लिए बेसिकली काम है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि केवीआईसीएस का मेन काम तो यही है कि भाई जो रूरल एरिया में डेवलपमेंट है उसको सिक्योर है वो किया जा सके, क्योंकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए खादी विकास, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो काम करता है, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टेचुरी है नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। तो आपको याद होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है, इन्होंने जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो लिखा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम, वो लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ है वो 19th century में लिखा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है यहाँ पे। और इसमें मैंने जो सन्यासी रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे उसके बारे में चर्चा है वो की गई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इस तरीके से इस पर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कंटेक्स्ट कुछ अभी इस प्रकार है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि वेस्ट बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन वगैरह हुए हैं या आप बोल सकते हो कि हमारी आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है, उसको एक तरीके से सरोकार रूप देने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे प्रयास स्टार्ट करी है, और इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, इनका जो भी योगदान था उसको आगे प्रमोट करने के लिए भाई उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। इसके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में वहाँ पे जो भी मतलब किसी लोगों को इन्फॉर्म है वो किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और इनकी जो भी उपलब्धि है उनसे लोगों को रूबरू है वो करवाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनकी मैगजीन जो कि यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इनकी एक मैगजीन है वो आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम है बंगा दर्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि बंगा दर्शन के बारे में, जो कि 18th century में मैंने लिखी गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इफेक्ट, जिस पे यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है धनुष के बारे में। तो देखो धनुष है वो वैसे एक मिसाइल भी है, बट यहाँ पे जिस धनुष का भी जिक्र किया गया है वो है एक लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी गन के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिलरी गन है एक लॉन्ग रेंज की, जिसका भी परीक्षण है वो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। यूपीएससी पूछ सकती है क्या एक सबमरीन है, तो देखो वहाँ पे अगर हो सकता है कि यूपीएससी मिसाइल का ऑप्शन ना दे और आपको बोल दे कि एक आर्टिलरी गन वगैरह है जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है, मतलब इसके मैक्सिमम जो इक्विपमेंट वगैरह है लगभग 81% के आसपास जो इक्विपमेंट है वो इंडिया ने ही बनाई है, मतलब स्वदेशी रूप में ही बनाए गए हैं, इसलिए इसकी रेंज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। इसकी रेंज है वो है अप्रोक्सीमेट 38 किलोमीटर। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। यूपीएससी कई बार इस तरीके से पूछ लेती है कि क्या ये रिसेंट सबमरीन है, क्या ये एक तरह से ड्रोन है या फिर कोई व्हीकल वगैरह इस तरीके से, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई है क्या ये आखिर। इसके बाद में थोड़े हम देखो मैपिंग की एक दो चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अभी एक थोड़ी विजिट वगैरह पे जा रहे हैं। तो देखो जो जहाँ जहाँ भी वो विजिट पे जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, उनकी जो मेन मेन अगर कंट्रीज की लोकेशन हम देख लेंगे तो इससे हमारी मैपिंग वो साथ साथ तैयार होती रहेगी। क्योंकि जब भी हम मैपिंग डिस्कस करते हैं ना तो ऐसा नहीं है केवल हम पर्टिकुलर उसी कंट्री को देखते हैं, उसके आसपास जो भी ओशियंस वगैरह है या उसके आसपास जो भी स्पेशल चीज़ है उस पर भी हम यहाँ पे फोकस हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज देखनी है हमें यहाँ पे, एक सेकेंड मैप निकाल, हाँ ये रहा हमारा मैप। सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये यहाँ पे एक साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में एक कंट्री है जिसका नाम है सूरीनाम। तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब विजिट पे जा रहे हैं, तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। लोकेशन है कहाँ पे, इसके एक साइड वो फ्रेंच गुआना है और एक साइड गुआना कंट्री है, और नीचे वो ब्राजील, साउथ की साइड मतलब ब्राजील कंट्री है।
और आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन थोड़ी ध्यान रखने की है कहाँ पे, तो मैं इतना इतना पता हो तो एक बहुत है कि साउथ जो अमेरिका है उसके नॉर्थ वाले फेज में इसकी लोकेशन है और लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मोटा मोटा आइडिया होता है ना वही एग्जाम में काम आता है। इसके बाद में जाने वाले हैं क्यूबा, तो क्यूबा के लोकेशन तो आपको ध्यान नहीं है कि यहाँ पे यूएसए के फ्लोरिडा के पास में, यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो कंट्रीज हैं कैरेबियन आइलैंड वाली, इनमें ही क्यूबा की लोकेशन ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूबा की लोकेशन है, तो ये लोकेशन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ दूसरी तीसरी कंट्री और है, सॉरी वो है यहाँ पे ग्रीस। तो ग्रीस आपको पता है कि मेडिटेरियन सी में है और मेरे लिए यूरोप की एक कंट्री है, क्योंकि अभी वहाँ पे क्राइसिस वगैरह आए थे कुछ साल पहले तो इसलिए काफी न्यूज में भी थी, तो यूपीएससी इस तरीके से कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछ लेती है। ये मेरे लिए टर्की के पास में है, ये रहा यहाँ पे ग्रीस की लोकेशन, आप देख सकते हो ये ग्रीस की लोकेशन है, यहाँ पे टर्की है। टर्की का जो इस्तांबुल वाला हिस्सा है ये जो ये यूरोप में आता है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी और जो ब्लैक सी है इसको कौन सी, मतलब यहाँ पे एक इस्थमस वगैरह है जो स्ट्रेट है जो इनको कनेक्ट करती है, तो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कौन आपस में कनेक्ट है वो करता है। और एक फेमस क्वेश्चन ये है यहाँ पे, वो आपको बताना है कि स्पेन है वो कौन से पेनिनसुला में आता है, इस पेनिनसुला का नाम क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी लास्ट ईयर काफी न्यूज में था, आई होप आपको पता होगा, नहीं फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कस है वो कर लेंगे। तो ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर वगैरह वो प्रोवाइड करवाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो रिसेंटली जारी किया गया था किसके द्वारा, एक ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के बारे में। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो जारी किया गया, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। काम क्या है इसका, इस ये इंस्टीट्यूट है मेनली इसका फोकस ये रहता है कि भाई जहाँ पे भी पीस रहेगी वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि इकोनॉमी वो प्रॉपर ढंग से काम करती रहेगी, मतलब कि जिस कंट्री में पीस या शांति नहीं है वो आपको पता है कि वहाँ पे इकोनॉमी प्रॉपर ढंग से काम कर ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी जो भी कोई बिजनेसमैन वगैरह होंगे उनको थोड़ा डर रहेगा कि यार हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा पैसा डूब सकता है, इसलिए एक तरीके से पीस इंडेक्स है वो इस चीज़ को भी वेरीफाई है, इस चीज़ को भी सिक्योर करता है कि भाई वहाँ पे इकोनॉमी किस तरीके की है, क्या इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, उसके द्वारा ये स्टैंडर्ड वगैरह भी तैयार किए जाते हैं और उसने ये जारी हो किया है। अब आगे हम देखते हैं एक फेम स्कीम के बारे में भी एक आर्टिकल आया था, तो उसके बारे में हम दो चार जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखो फेम स्कीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूपीएससी हर साल इसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछती ही रहती है, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मेंस में भी इसका आप यूज है वो कर सकते हो एग्जाम वगैरह में, और हर साल ये न्यूज में रहती आई है। तो फेम स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो ये आपको सबसे पहली बात इसका फैक्ट ये है कि जो हैवी इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा फेम स्कीम को चलाया गया, तो ये चीज आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद में बात ये की जाती है कि गवर्नमेंट का एक प्लान था जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है ना, इसका मेन मोटो ये रखा गया था कि भाई हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उनको प्रमोट करना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी संख्या बढ़ाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फैसिलिटी है वो भी अरेंज करना, ये काम था इस मेन मिशन का। अब देखो इसमें टारगेट रखे गए थे 2020 तक के लिए, क्या क्या टारगेट थे एक बार वो देख लेते हैं मोटे मोटे हाइलाइट्स के रूप में। ये रखा गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल है वो हमें इंक्रीज करनी है 2020 तक, इसके साथ ही जो फ्यूल सेविंग है वो भी हमें बढ़ानी है, और इसकी क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो आपको पता है ऑब्वियसली डीजल और पेट्रोल की सेविंग है वो बढ़ जाएगी, इसके साथ ही ये बात थी कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये टारगेट रखा गया था कि भाई 2 मिलियन टन जो है ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड इसको हमें कम करना है। देखो सारे आपको याद हो या नहीं हो, बट अगर आपको एक दो पॉइंट याद हो जाते हैं तो आप एग्जाम में इसको पुट करते हो मेंस के आंसर राइटिंग में तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, जिसके आपने कोई भी एक पॉइंट पुट कर दिया कि 2 मिलियन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम करना है, जिससे फायदा होगा कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन वगैरह कम हो जाएगा, तो आप कहीं भी इन चीजों का यूज है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का इश्यू होता है तो मतलब लोगों को रोजगार वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा, तो वो भी काफी बड़ा बेनिफिट है हो जाएगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है बेसिक पॉइंट्स की क्या क्या है। तो देखो जो ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था ना, इसके तहत ही फेम स्कीम को लाया गया था कि भाई हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उनको बनाया जाए। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का काम ये था कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हाइब्रिड व्हीकल है उनको प्रमोट करना, बट जो यहाँ पे फेम स्कीम है इसका काम ये है कि भाई हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, लोकल लोगों को फायदा हो, उनको भी रोजगार है वो मिल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस स्कीम के बारे में जो कि हैवी जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च आउट की गई है।
तो ये तो थी हमारी डिस्कशन। आगे देखो, आज हम ये सोच रहे हैं कि आपका कोई भी डिसीजन हो इसके बारे में, आप बता देना पहले कमेंट बॉक्स में, कि आज से हम डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं एडिशनल फॉर्म में वो डिस्कस कर सकें, जैसे कोई भी रिपोर्ट वगैरह हुई, या फिर कोई भी ज्योग्राफी की लोकेशंस ले सकते हो, या फिर इसके साथ अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री का कोई एक पॉइंट हो डेली वो हम डिस्कस कर लें। क्योंकि देखो अभी रिसेंटली इतनी न्यूज़ है नहीं, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि हम साथ में कुछ ना कुछ थोड़ी एडिशनल फॉर्म में डिस्कस करते रहें, ताकि हमारा जो और कंटेंट है वो भी यहाँ पे रिवाइज होता रहे। तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता देना, सुझाव है वो अपने प्रोवाइड करवाना। और जो पीडीएफ है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर लेना। इसके साथ जो फेसबुक का पेज है वेलकम यूपीएससी, और जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।